दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने का बहुत आसान तरीका। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस की समस्या होती क्यों है। जब आपकी बॉडी का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो इलाज बताने जा रही हूँ। एक इलाज आपने लगाना है और दूसरा खाना है। लगाने से जोड़ों का दर्द और सूजन दूर होगी और दूसरा इलाज जो आपने खाना है उससे हड्डियाँ और कार्टिलेज दोबारा रिपेयर होंगे। तो अब बात ये आती है कि कार्टिलेज खत्म क्यों होते हैं। दोस्तों, ये अर्थराइटिस की समस्या यानी कि जोड़ों में दर्द की समस्या, इसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारे ही शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे ही शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचाने लगती है, अपना दुश्मन मान लेती है। और अर्थराइटिस के केस में ये जोड़ों के जो कार्टिलेज हैं और जोड़ों को दुश्मन मान लेती है और कार्टिलेज को खत्म करने लगती है, जोड़ों के फ्लूड को डैमेज करने लगती है। जिसके कारण होता क्या है, जब भी कोई अर्थराइटिस का पेशेंट अपने हाथों को हिलाता है या फिर जोड़ों को मूव करता है तो उसको दर्द और खिंचाव महसूस होता है और ज्यादा जोर लगाने पर वहां सूजन भी आ जाती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इलाज में आपको एक चीज बता दूं कि आपने ऐसा इलाज करना है जो आपकी हड्डियों को और कार्टिलेज को हेल्दी रख सके और दोबारा उसके निर्माण में सहायता कर सके। तो आज मैं आपको ऐसा ही इलाज बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हम अपनी इम्यूनिटी को खत्म नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी इम्यूनिटी पावर को खत्म कर दिया तो हमें सर्दी, जुखाम और हमारी कंडीशन एक एड्स के पेशेंट जैसी हो जाएगी, जिसकी इम्यूनिटी पावर जीरो होती है और उसकी मौत बहुत नजदीक होती है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, ऐसी डाइट लेनी होगी जो हमारे कार्टिलेज को और हमारी हड्डियों को रोज का रोज रिपेयर करती रहे। दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए और कार्टिलेज को यानी कि फ्लूड को दोबारा बनाने के लिए बहुत साधारण सी चीज है और लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन दोनों चीजों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करते, जिसके कारण वो इसके पूरे फायदे नहीं ले पाते। दोस्तों, ये चीज है गिलोय और एलोवेरा। अलग अलग तो सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप एक महीने के लिए इसका इस्तेमाल एक साथ यानी कि दोनों को मिक्स करके देख लीजिए, आपको इसका फर्क खुद दिखने लगेगा। जिस अर्थराइटिस की समस्या के कारण, जोड़ों की समस्या के कारण आपको चलने फिरने में मुश्किल आती थी, हाथों को हिलाने में मुश्किल आती थी, हाथ अगर आप बंद करते थे, खोलते थे तो आपके दर्द होता था, अकड़न सी महसूस होती थी जोड़ों में, आपको सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता था या फिर ज्यादा टाइम तक चलना भी मुश्किल हो जाता था, तो आप इस इलाज को जरूर कीजिए। दोस्तों, यहाँ आपने क्या करना है, सिर्फ 2 चम्मच के करीब आपने एलोवेरा जूस लेना है और आपने 3 से 4 चम्मच के करीब आपने गिलोय का जूस लेना है। इन दोनों को मिक्स करके, आधे गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके, चाहे अब गर्मियों का मौसम है फिर भी आप गुनगुने पानी में मिक्स करके लीजिए, आपको जबरदस्त फायदे होंगे। दोस्तों, अगर आपके घर पे एलोवेरा है वो भी मीठे वाला और गिलोय है तो आप इन दोनों को मिक्स करके जूस निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो बाजरा होता है ना, वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि इस बाजरे के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को नेचुरल तरीके से मजबूत करता है और इसके अंदर का जो तेल होता है वो कार्टिलेज को दोबारा बनाने में सहायता करता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपने अपने जोड़ों पर लगानी है। आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस की समस्या किसी भी जोड़ में, दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ एक प्याज ले लेना है और 3 से 4 कली आपने लहसुन की ले लेनी है। इन दोनों का एक पेस्ट तैयार कर लेना है और इसके अंदर 1/2 चम्मच आपने हल्दी पाउडर मिक्स कर लेना है। ये एक लेप की तरह तैयार हो गया। जिस भी जोड़ में आपको दर्द होता है उस जगह पर आपने इस लेप को लगा देना है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि जो जोड़ में दर्द हो रहा था वो दूर हो जाएगा और हो सके तो 15 से 20 मिनट के लिए धूप में भी बैठ जाएगा, इससे आपको इसका असर और भी दिखने लगेगा। दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।